सीरम कैसे हो सब लोग। तो मैं पीनू चौधरी, आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है वर्कआउट का पहले का शेड्यूल। वर्कआउट के पहले जो करना चाहिए ज़रूरी है वो है स्ट्रेच। जिस मसल का आप एक्सरसाइज करोगे उस मसल को अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लीजिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद जब भी आप वो वर्कआउट करोगे उस मसल के, तो उसमें पंप आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो वही है, इसी का आज जो वीडियो लाया है वही मैं अभी आज करूँगा, चेस्ट का वर्कआउट। ठीक है, तो चेस्ट का वर्कआउट से पहले जो स्ट्रेच करता है चेस्ट मसल को, तो वही है और कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा चेस्ट का वर्कआउट का शेड्यूल जो गेन के लिए होता है, जो गेनिंग के समय होता है, वो वीडियो में डाल दूँगा, वो आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो मैं अभी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग करने के बाद वर्कआउट कर स्टार्ट करूँगा। तो वर्कआउट का वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग देख रहे हो, फॉलोअर्स जो है जो फॉलो करते हो, तो मैं बोलूँगा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कीजिए। आपको नया नया शेड्यूल जो है वो मिलेगा और नया ट्रिक जो है वो भी मिलेगा। ठीक है, तो आप वो लोग अप्लाई कीजिए अपने वर्कआउट शेड्यूल में, देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो सब एक ही बात बोलूँगा, मन लगा के वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करने से क्या होता है, दिमाग भी सही रहता है, बॉडी भी बन जाएगा, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलता हुआ मेरे वर्कआउट में अभी, तो बाद में मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।